हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ऑनलाइन क्लासेज आपके ले लाऊंगा। देखिए, एग्जाम में बहुत कम वक्त बचा है और मैंने जो वादा किया था उसकी वादे की जो बुनियाद है वो यहाँ से शुरू होती है। आज का डेट है 26th of December 2019। तो आज हम बात करेंगे CBSE बोर्ड क्लास 12। सबसे पहले आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन मुद्दों के बारे में कि कैसे आपको तैयारी करनी है, बेसिक क्या है। देखिए, आपका एग्जाम जो होने वाला है ये डेट शीट है, 24 तारीख को आपका PHE होगा, 24th of February को, 27 फरवरी को इंग्लिश होगा, 2 तारीख को यानी 2 मार्च को फिजिक्स होगा, 7 मार्च को केमिस्ट्री होगा, 14 मार्च को बायो होगा और 17 मार्च को मैथ्स होगा। तो जो PCM वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फिजिक्स है वो आपका 2 तारीख को है, ठीक है? तो ये फिजिक्स आपका 2 तारीख को है और केमिस्ट्री आपका 7 तारीख को है, यानी आपको 5 दिन का गैप मिला है। और यदि आप बायो के स्टूडेंट नहीं है तो आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि 17 तारीख को आपका मैथ्स है, ठीक है? और इंग्लिश तो दोनों का होगा, इसलिए इंग्लिश 27 को है। यानी इंग्लिश और फिजिक्स के बीच में यदि आप देखेंगे, क्योंकि फरवरी का महीना है तो आपके पास महज 3 दिन का गैप है, तो आप एक स्ट्रेटजी से तैयारी कर सकते हैं। और यदि हम PCB की बात करें तो फिजिक्स आपका 2 मार्च को है, केमिस्ट्री आपका 7 तारीख को है और 7 दिन का गैप फिर आपको मिलता है बायो के लिए। तो रणनीति क्या होनी चाहिए वो आज हम चर्चा करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट द स्ट्रेटजी यू हैव टू बी अप्लाइड टू गेट सक्सेस इन बोर्ड एग्जामिनेशन। You can see here the first strategy is solving sample paper and questions. यानी question bank और sample paper आपको solve करना होगा। देखिए, question bank क्यों important है? Question bank में पिछले 5 सालों में किस तरह के level का questions आता है उससे आपको pattern की जानकारी मिलेगी। जैसा कि recently syllabus updated होते रहते हैं तो आप previous 5 years के questions को उठाइए, और जो chemistry के students हैं class 12 के वो जरूर ध्यान देंगे कि उनका सॉलिड स्टेट हटा दिया गया है, पी ब्लॉक से ग्रुप 15 को हटा दिया गया है और एज यूजुअल सिलेबस है। एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस कीजिए। फिजिक्स के स्टूडेंट ध्यान दें कि एनसीईआरटी से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसीलिए वो रिलाई नहीं करें साइड बुक्स पे। और बायो के स्टूडेंट तो प्योरली एनसीईआरटी को फोकस करें, जबकि मैथ के स्टूडेंट एनसीईआरटी प्लस आरएस अग्रवाल को अच्छे ढंग से बनाए। एनसीईआरटी को आपको पॉइंट टू पॉइंट इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, सारे चीज सॉल्व करने हैं। तो सैंपल कितना इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन बैंक, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर की जहां तक बात है तो सैंपल पेपर एक टफनेस मोड का होता है, यानी यदि आप सैंपल पेपर इजिली सोल्व कर लेते हैं या उसमें अगर आपको थोड़ी तकलीफ का भी सामना करना पड़े तो आपके बोर्ड में सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड का जो रेशियो होता है उसमें 20-30% टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? और मतलब आप बोल सकते हैं कि 20-30% एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10% बहुत ज्यादा टफ होते हैं, ठीक है? और जो 40-50% है वो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑल इन ऑल अगर हम रेशियो माने तो जो 50% क्वेश्चन है वो आपका एवरेज क्वेश्चन होगा, 40% क्वेश्चन जो है, 30% क्वेश्चन वो सिंपल क्वेश्चन होगा और 10-20% क्वेश्चन आपके टफ क्वेश्चन होंगे। अब आपको ध्यान देना है कि आपको सैंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक को लगातार रिवीजन करना है। दूसरी बात, रेगुलर स्टडी होनी चाहिए 6 से 8 घंटे की। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने समय से सिलेबस को किया होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है, हमारा जो कॉन्शस माइंड है वो अलर्ट रहता है इन 3 महीनों में, मतलब जो समय बचा हुआ है आपके पास, क्योंकि दिसंबर खत्म की ओर है, आपके पास जनवरी है, जनवरी में प्रैक्टिकल्स हैं और उसके बाद फरवरी जस्ट आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा 24 फरवरी से, यानी आपके पास 1 से 1.5 महीने का समय है। तो रेगुलर स्टडी ऑफ 6 to 8 आवर्स वो आपको काफी फायदा पहुंचाएगा। उसके साथ साथ आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, पूरे एग्जाम के दौरान आपको प्रेशर फ्री रहना है। साउंड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो साउंड स्लीप है 6 आवर्स का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोइएगा बढ़िया से, 6 घंटे की नींद लीजिएगा तो आपका जो बॉडी है वो मेंटेन रहेगा। मेंटेन रहने से फायदा ये होगा कि आप जो तैयारी है वो अच्छे से कर पाएंगे। यदि आप डिस्टर्ब हो गए
उसके बाद आप बीमार पड़ जाइएगा और महज कम समय बचा है, और यदि आपने सिलेबस अप टू डेट नहीं कर रखा है तो और समस्या हो सकती है। इसीलिए साउंड स्लीप लेना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन, मेडिटेशन कई ढंग से किया जा सकता है, अलग अलग प्रारूप है इसका, तो मेडिटेट जरूर करें। मेडिटेशन विल हेल्प यू इन योर कॉन्सेंट्रेशन, वो आपको कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करेगी। जहां तक कॉन्फिडेंस की बात है तो इन महीनों में आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा, क्योंकि यहां से आत्मविश्वास गिरेगा तो बोर्ड में इसका असर पड़ेगा। जहां तक पॉजिटिविटी की बात है तो यू हैव टू बी पॉजिटिव थ्रू आउट योर दीज रिमेनिंग पीरियड्स, यानी जो बचे हुए समय है उसमें आपको नकारात्मक नहीं होना है, क्योंकि घर के लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, वो आपको निगेटिव करेंगे या आपके गार्जियन आपको निगेटिव करेंगे कि फलाना का बच्चा इतना ला रहा है, तुम क्या कर रहे हो, इस तरह के प्रेशर में आपको नहीं पड़ना है। जहां तक पैशंस की बात है वो आपको तो रखना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको सक्सेस दिला सकती हैं। दूसरी बात कि जो बच्चे आईआईटी और मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रेटजी वीडियो में कल लाऊंगा। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप तमाम विद्यार्थी वर्ग का बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और कल आईआईटी और मेडिकल के बारे में चर्चा होगी कि कैसे स्ट्रेटजाइज करें। उसके बाद रेगुलर क्लासेज होंगे, डेली ऑनलाइन क्लासेज जो कि 10-15 मिनट्स का होगा, उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायो बारीकी से बताया जाएगा, और आपको हर एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एनालाइजेशन ऑफ सैंपल पेपर, उसकी जानकारी दी जाएगी। तो जिन विद्यार्थियों ने मुझे देखा और सुना, आप तमाम विद्यार्थी वर्ग का तहे दिल से धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सर्च करें पंकज कुमार सिंह, दी डायरेक्टर ऑफ प्रीमियर कोचिंग। जैसे ही आप यूट्यूब पे सर्च बटन पे जाइएगा, पंकज कुमार सिंह लिखिएगा, तो अपने आप सेकंड कॉलम में पंकज कुमार सिंह दी डायरेक्टर ऑफ प्रीमियर कोचिंग आएगा, उसको दबाना है। उसके बाद मेरे सारे वीडियोस के कॉलम्स आएंगे, वहां पे लाल बटन का सब्सक्रिप्शन बटन होगा, उसको दबाइए। उसके बाद टैब बेल दबाइए, ऑटोमेटिकली जैसे जैसे मैं यहां से वीडियो बनाता जाऊंगा आपके मोबाइल पे यूट्यूब के माध्यम से नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप तमाम विद्यार्थियों का तहे दिल से धन्यवाद। गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।